नमस्कार। कांग्रेस के कुछ दिनों के बाद बीजेपी यानी सत्तारूढ़ पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। मैनिफेस्टो में सभी वर्ग को आकर्षित करने का प्रयास किया गया। बाकायदा कॉलम बनाए गए हैं, गरीबों के लिए अलग, वृद्धों के लिए अलग, नारी के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग। मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र कहा गया, जिसके अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे। यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि पहले संकल्प पत्र बहुत बड़ा है। शुरुआत में इसमें वो उपलब्धियां हैं जो 10 साल में सरकार ने की या बीजेपी ने की। चलिए हम लोग देखते हैं क्रमवार तरीके से और उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जो सरकार आगामी 5 वर्षों में करने का एक तरह से निर्णय लिया है और बाकायदा वायदा किया है, जिसे मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र में दर्शाया गया है। सेक्शन वाइज है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम लोग इससे क्या करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी उस पर हम लोग नज़र डालेंगे। सबसे पहले जो सेक्शन है वो गरीबों के लिए है, यहाँ पर ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात इसमें पहला बार किया गया है वह यह है, अगले 5 सालों के लिए मुफ्त राशन मिलेगा, जैसा 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। सरकार ने कहा अगले 5 साल ये चालू रहेगा। दूसरा बात ये सरकार कह रही है, गरीबों की थाली को सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए सरकार ने कहा है दाल और खाद्य तेल एवं सब्जी, इन तीनों चीजों के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर अगले 5 साल में बना देंगे, ताकि गरीब को सस्ते दाम पर हर चीजों को मिल पाए। आगे ये भी कहा गया है, निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसा कि आपको पता है आयुष्मान भारत 5 लाख तक कवर करता है। इसमें कहा गया है कि जो भी बच गए हैं उन तक विस्तार किया जाएगा आयुष्मान का, और निशुल्क चलेगा। पीएम आवास योजना के बारे में भी बात की गई। सरकार ने कहा कि 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान दिया गया है। अब इसे याद रखें, इसमें कहा गया है लाभार्थियों की संख्या इसको और बढ़ा करके इसमें करीब करीब 3 करोड़ और लोगों को पक्के मकान देने की बात की गई है, इसमें यह बात ध्यान रखेंगे। एक बात और भी कहा गया है, 0 बिजली बिल। सरकार ने कहा है कि आगामी समय में पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना के अंतर्गत एक योजना है, पीएम सूर्य मुफ्त घर मुफ्त बिजली योजना, इसके अंतर्गत सभी गरीब परिवारों को लगभग बिजली मुक्त किया जाएगा। वैसे उन्होंने गरीब शब्द यूज नहीं किया है, यहाँ पर किया है, जिसमें इन परिवारों को गरीबी बिल 0 हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये सेक्शन गरीब वाले में है तो गरीब परिवार को ही बिजली मुक्त किया जाएगा, यानी उनका बिल 0 आएगा आने वाले समय में, जैसा सरकार ने कहा। मध्यम वर्ग के बारे में भी बहुत सारी बातें की गई, ध्यान रखें। सबसे बड़ा बात इसमें कहा गया है कि अगले 10 इसमें जो मध्यम वर्ग है वो आसानी से घर बना सके, इसकी सबसे बड़ी बात की गई है। इसमें कहा गया कि पंजीकरण की कीमत को कम किया जाएगा, निर्माण लागत को कम करने का प्रयास किया जाएगा, आसानी से नक्शा तैयार हो जाए इसके लिए पूरा कोशिश की जाएगी। आगे मध्यम वर्ग के लिए कुछ और घोषणाएं की गई, जैसे कहा गया कि भारत के स्टार्टअप्स का और अधिक विस्तार किया जाएगा, टायर 2 टायर 3 शहरों में भी इसको फैलाया जाएगा। स्टार्टअप जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आगे बहुत सारी बातें मध्यम वर्ग के लिए और भी की गई हैं, जैसे कि स्वास्थ्य का विस्तार किया जाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा, पर्यावरण अनुकूल शहरों का विकास किया जाएगा, जैसे कि झील तालाब जो है शहरों में वो सही हों। ये सब बातें भी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कही है, या मैं कहूँ बीजेपी ने कही है तो शायद सही नहीं, गलत नहीं होगा। इसमें एक बात और भी कहा गया है, 3 करोड़ लखपति दीदी की बात की गई है। इसमें 1 करोड़ आपको पता होगा कि 1 करोड़ महिलाएं पहले से ही लखपति बन चुकी हैं, ग्रामीण महिलाएं। अब कहा गया है कि हम इसको बढ़ा करके 3 करोड़ करेंगे, ठीक है भैया। अगला बात कहा गया है महिला SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, इनको अब सर्विस सेक्टर के साथ जोड़ा जाएगा, जैसे IT, स्वास्थ्य, शिक्षा, रिटेल, पर्यटन इत्यादि को जोड़ा जाएगा। ये सब कुछ मेन बातें हैं महिलाओं के लिए। खेल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, ये भी महिलाओं के लिए है। शौचालय का निर्माण और रखरखाव की बातें की गई, ये भी कहा गया। आपातकालीन जो नंबर है 112, इसके क्रियान्वयन को और अच्छा किया जाएगा, सरकार ने ऐसी बातें कही है। आगे स्टूडेंटों के लिए सबसे बड़ी खबर है, स्टूडेंटों के लिए कहा गया कि पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून बनेगा, एग्जाम पारदर्शी सरकारी परीक्षाएं होंगी, ट्रांसपेरेंसी होंगी। ये 2 बातें बहुत जबरदस्त स्टूडेंटों के लिए कही गई।
अगला बात, जो स्टूडेंट्स अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं उसके लिए कहा गया कि स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार किया जाएगा ताकि वो अच्छे तरीके से और जल्दी से स्टार्टअप कर सकें, ऐसी बातें की गई है। यह भी कहा गया है कि सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार यदि कोई चीज को परचेस करती है तो वो नए नए स्टार्टअप से उसको परचेस करेगी ताकि वो ज्यादा उनको प्रोत्साहन मिल सके और आगे बढ़ सके। उद्यमता की भावना को बढ़ावा देना मैनिफेस्टो में है। चलिए ये सब तो चलता रहेगा। पर्यटन वगैरह की बात भी की गई है, ये सब भी आप जान ही रहे हैं, ये तो है। आगे देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो बात की गई है उसमें यह है कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है। दूसरा बात कहा गया है वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा नॉलेज शेयरिंग, मतलब कि वरिष्ठ नागरिक जो है अपने जो ज्ञान का जो उनके पास अनुभव है वो साझा करेंगे जो छोटे लोग हैं, छोटे उम्र के लोग हैं उनके साथ साझा किया जाएगा। सरकार की यह योजना है सरकारी सेवाओं को घर घर तक पहुंचाना वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है, ये बात किया गया। अगला कहा गया है डिजिटल सशक्तिकरण, मतलब डिजिटली जो बुजुर्ग लोग हैं उनको शिक्षित किया जाए। उनके साथ बहुत डिजिटल फ्रॉड होता है, बैंकिंग वगैरह से कुछ फर्जी कॉल हो जाते हैं, तो सशक्त बनना बहुत जरूरी है। ये सब बातें कही गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुगम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, जैसे कि मान लो कोई ट्रेन पकड़ने जा रहा हो, वरिष्ठ नागरिक है तो उनके लिए एक्सीलेटर होने की जरूरत है, लिफ्ट होना चाहिए, तो ये सब के बारे में। तीर्थ यात्रा को सुगम एवं सुविधा युक्त बनाया जाएगा, मतलब कि ऐसा तीर्थ यात्रा बनाया जाएगा, ऐसा चीज किया जाएगा जिससे बुजुर्ग लोग आसानी से तीर्थ यात्रा कर सकें, उनके लिए वह सुगम हो सके। सुगम का तात्पर्य शायद यह भी हो कि उनको शायद कम पैसे में भी काम हो जाए। पीएम जो किसान सम्मान निधि है जिसके अंतर्गत 6,000 रुपए मिलते हैं प्रत्येक किसान को सालाना, वो अभी चालू रहेगा आगामी वर्ष में भी। फसल बीमा योजना को और मजबूती प्रदान किया जाएगा। एमएसपी के बारे में जो बार बार कहा जाता है वह यह है कि एमएसपी जो है चालू रहेगा, यह भी सरकार ने कहा है और कहा है इसमें हम बढ़ोतरी भी करेंगे। दाल और खाद्यान्न तेल, जैसा कि मैंने कहा आपसे, उस पर सरकार ने कहा है कि हम आगामी 5 वर्ष में उसमें आत्मनिर्भर होंगे। सब्जी उत्पादन में भी जो है नए नए क्लस्टर बनाए जाएंगे, यह कहा गया है। श्री अन्य सुपर फूड, सबसे बड़ी बात है श्री अन्य कहा गया था, याद रखें श्री अन्य का मतलब है मिलेट, मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज। तो सरकार ने कहा कि इसकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ विश्व में इसको मान्यता देंगे, किसको, श्री अन्य यानी मिलेट को। और इसको प्रोत्साहन करने के लिए, इसकी खेती को प्रोत्साहन करने के लिए हम किसानों को और जागरूक करेंगे, ठीक है। प्राकृतिक खेती का विस्तार किया जाएगा। क्रॉप विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात भी सरकार ने की है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज स्टोर सुविधाओं का नेटवर्क, ये एक बहुत बड़ी बात है। ग्रामीण क्षेत्र में अनाज स्टोर बनाने की बात सरकार कर रही है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कृषि सैटेलाइट, मतलब कृषि के लिए अलग से सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा ताकि किसानों को सिंचाई का प्रयोग कैसे किया जाए, सॉयल हेल्थ कार्ड, मौसम का पूर्वानुमान, ये सब की जानकारी लग सके। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, उसको और थोड़ा सही करने के लिए बात इसमें की गई है। याद रखें इसमें और भी कुछ बातें की गई, जैसे कि उच्च उत्पादकता वाले बीज किसानों को सुनिश्चित किए जाएंगे। नैनो यूरिया की उपलब्धता को बढ़ाया जाएगा क्योंकि नैनो यूरिया अभी बहुत कम किसानों तक पहुंच पाया है। देसी पशुओं की रक्षा की बात की गई है, पशु रोगों का उन्मूलन की बात की गई है, ये सब किसानों के लिए है। तो ये सब भी, जैसे कि और टीकाकरण समयबद्ध तरीके से हो सके पशुओं को, इसके अंतर्गत ये कहा गया। आगे हम लोग देखेंगे मछली उत्पादन करने वाले लोगों के लिए भी इसमें बहुत सारी बातें की गई, जैसे पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार किया जाएगा। मत्स्य पालन के लिए बीमा कवर की बात की गई है। सीवीड की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा, सीवीड मतलब मछली पालन संबंधित जो बीज होते हैं उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, ऐसी बातें इसमें की गई है। मोती की खेती के लिए भी प्रतिबद्धता दिखाई गई कि और अच्छे तरीके से करने का प्रयास किया जाएगा अगले 5 सालों में। आगे देखिए, मजदूरों के लिए यानी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन, इसमें कहा गया है कि हम समय समय पर टाइम टू टाइम राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की समीक्षा करेंगे, यानी यदि कम है तो बढ़ाएंगे। यहां पर एक बात और भी कही गई है श्रमिकों के लिए कि डाकघरों
और डिजिटल इंडिया के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। मतलब अब डाकघर और डिजिटल इंडिया के माध्यम से उन्हें कुछ योजनाएं का लाभ मिलेगा, जैसे पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जो कल तक उन्हें पता ही नहीं चलता था कि किसके थ्रू उनको पास जाना है। तो डाकघर और डिजिटल इंडिया के माध्यम से वो इस चीज को पूरा कर सकते हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी इसमें बहुत सारी बातें की गई है। प्रवासी श्रमिकों का ई श्रम पंजीकरण किया जाएगा, ये सब बातें की गई। एक बात और भी है, प्रवासी श्रमिकों के लिए जो दूर दराज से आते हैं उनके लिए विशेष ट्रेन चलाया जाएगा, यह भी इसमें कहा गया है, ध्यान रखें। ऑटो टैक्सी ट्रक व अन्य ड्राइवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की बात भी इसमें की गई है। व्यापारियों के लिए कहा गया है, उद्योग चलाने वाले कॉर्पोरेट्स के लिए कहा गया कि नियम और कानूनों को और सरल किया जाएगा कि जो भी व्यापार करने की शुरुआत करना चाहते हैं, कई सारे नियम आड़े आते हैं तो उसको और सरल किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि छोटे व्यापारियों और एमएसएमई के व्यवसाय का विस्तार भी किया जाएगा। साइबर खतरा मैनिफेस्टो में साइबर खतरे को भी रेखांकित किया गया है, खासकर व्यापारियों के लिए उससे बचाव की बात की गई है। परंपरागत हस्तशिल्प, इसको प्रोत्साहन देने की और इसके कंजर्वेशन की बात भी की गई है, परंपरागत शिल्प को, इसमें भी आप ध्यान रखें। डाकघर निर्यात केंद्र का विस्तार, यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि डाकघर जो है कई जो खासकर स्थानीय उत्पाद है उसका कुछ जगह निर्यात करते हैं, तो वैसे निर्यात केंद्र जो डाकघर जो है निर्यात केंद्र के रूप में अब आ गए हैं, उस चीज को और भी बढ़ाना। खादी को ग्लोबल ब्रांड बनाने की बात भी की गई है। भारत को एक टॉय हब के रूप में भी स्टेब्लिश करना है। आपको पता होगा कि भारत का बहुत सारा पैसा बच्चों के खिलौने खरीदने में चल जाता है जो अधिकतर चाइना से बने होते हैं, तो ट्राई हब बनाने की बात भी की गई है। यहां पर इस बात को भी आप देखें। जनजातियों के लिए भी बहुत सारी बातें की गई, खासकर कहा गया है, एक बात ध्यान रखेंगे कि 2025 जब बिरसा मुंडा का जो 150वीं जयंती है उसको जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में बनाने की घोषणा सरकार ने की है, ध्यान रखेंगे। आगे है जनजातीय विरासत एवं संस्कृति को संरक्षण एवं संवर्धन की बात भी की गई है। इसके अंतर्गत कहा गया कि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी के संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे, एक बात जान लीजिए आप। आगे जनजातियों में डिजिटल जो शिक्षा है वो बहुत कम है, उसको इनहेंस करने की बात भी की गई है। प्रत्येक जिले में एक समिति बनाई जाएगी जनजातीय क्षेत्र में ताकि वहां का विकास हो सके। आगे देखिए, एकलव्य मॉडल जो आवासीय विद्यालय है जो जनजातीय क्षेत्र में है उसकी जो संख्या है उसको बढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता को भी अच्छा करने की बात की गई है। छात्रवृत्ति जो जनजातीय लोगों को मिलता है उसको बढ़ाने का, उसको विस्तार करने की बात भी की गई है। सफाई कर्मचारी के सशक्तिकरण का भी मैनिफेस्टो में स्थान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि उनकी सुरक्षा सम्मान और आजीविका सुनिश्चित की जाएगी और सभी योजनाओं का आगे तक विस्तार किया जाएगा वहां तक वो पहुंच सके, ये बात कही गई। ट्रांसजेंडर्स के लिए गरिमा गृह के नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा, मैनिफेस्टो में है, यानी कि लगभग कहा जाए तो हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ किया गया है। विश्व के लिए मैनिफेस्टो में विश्व के लिए भी बहुत सारी बातें की गई। सबसे बड़ी बात, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत को अस्थायी सदस्यता मिले, यह मैनिफेस्टो में कहा गया है, याद रखें। मैनिफेस्टो में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति की बात की गई है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी पड़ोसी सबसे पहले, यह भी बात की गई है, ध्यान रखेंगे। आगे सॉफ्ट पावर के रूप में भी भारत को अच्छा करना है, यानी भारतीय संस्कृति को और इन्हेंस करना है। विश्व स्तर पर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र को स्थापना करने की बात की गई है, कई जगह भारत इस चीज को एस्टेब्लिश करेगा, ऐसी बात सरकार ने की। योग और आयुर्वेद को दुनिया में विस्तार करने की बात की गई।
भारतीय कलाकृतियों को वापस लाया जाए, अंग्रेज जो हमारे यहां से लूट कर ले गए या कोई अदर कंट्रीज लूट कर ले गया वो भारत तक पहुंचे, शास्त्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा, भारतीय सभ्यता के स्मारकों को पुनर्जीवित किया जाएगा, पहली बात। दूसरा, भगवान राम की विरासत का संरक्षण और प्रचार प्रसार करना है, यानी जो भी उनके दिखाए हुए रास्ते हैं उसका प्रचार प्रसार भी करना, और साथ ही साथ ये जो बन रहा है इसका भी एक तरह से कहा जाए कि दुनिया भर में जो उत्साह है उसको प्रचार प्रसार उत्सव मनाने की परंपरा की शुरुआत करना। आगे सुरक्षा कर्मियों के लिए भी बहुत सारी बातें की गई है, जैसे सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने की बात की गई है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात की गई है, नशे के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती कराने की बात की गई है, वामपंथी उग्रवाद यानी माओइस्ट की समाप्ति की बात की गई है, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के हितों को रक्षा करने की बात की गई है। तो इस ढंग से आप समझ सकते हैं क्या क्या बातें हैं। सबसे बड़ी बात देख लीजिए, भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, यह भी बात की गई है। रोजगार के अवसरों का विस्तार करने की बात की गई है। आपको पता होगा कि भारत पांचवी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मैनिफेस्टो के अनुसार भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था करना है, निर्यात बढ़ावा देने की बात की गई है। तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, वैसे जितना जो बहुत ही कॉमन सी बातें हैं उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी आज ही ये मैनिफेस्टो आया है, एक जिला एक उत्पाद, आपको पता होगा यूपी में बहुत अच्छा क्रियान्वित हुआ है। सरकार ने कहा है कि लगभग पूरे भारत में एक जिला एक उत्पाद को क्रियान्वित किया जाए, ये बात भारत ने कहा, यानी सॉरी ये बीजेपी ने कहा है। रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की बात की गई है, भारत को वैश्विक रेल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्टेब्लिश करना है, यह बात भी कहा गया है। जहाज निर्माण को बढ़ावा देने की बात की गई है, आपको पता होगा जहाज निर्माण में साउथ कोरिया या जापान ये सब बहुत आगे हैं। आगे 2030 तक भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित कर देना है, यह बात कहा गया है। भारत में सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग, जिस पर चाइना का एकदम दबदबा है, उसको बढ़ावा देना है। आगे देखते हैं हम लोग और भी कुछ बातें। नई रेल पटरियों का निर्माण करना है, टिकट की उपलब्धता बढ़ानी है। आपको पता है कि भारत में वेटिंग एक बहुत बड़ी कहानी है, खासकर बिहार और यूपी आने वाले बच्चों को, तो वेटिंग लिस्ट कम हो सके इसके लिए टिकट की उपलब्धता बढ़ानी है। कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है, कवच आप जान रहे हैं हाल ही में आया था। वंदे स्लीपर ट्रेन का विस्तार करना है, जो आपको पता है नया चल रहा है। मेट्रो ट्रेन का भी विस्तार करना है, पता पिछले 10 साल में 20 शहरों में मेट्रो ट्रेन, 20 से ज्यादा शहर में मेट्रो ट्रेन शुरुआत हुआ है। अन्य प्रमुख शहरों में भी मेट्रो ट्रेन का विस्तार होगा। बुलेट ट्रेन के बारे में जान लीजिए, पहला बुलेट ट्रेन आपको पता है अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक चल रहा है, सरकार ने बकायदा कहा कि वो प्रगति पर है। लेकिन एक बात इसमें सबसे बड़ी बात कहा गया है, ये ध्यान रखें बुलेट ट्रेन के लिए, वो यह कहा गया है कि इसका विस्तार उत्तर दक्षिण और पूर्व में नए कॉरिडोर के रूप में किया जाएगा। मतलब हो सकता है आने वाले समय में उत्तर में, दक्षिण में और पूर्व, पूर्व मतलब हुआ वेस्ट बंगाल या उड़ीसा के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपने देखा। कुछ और बातें भी देख लेते हैं। हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण करने की बात की गई है, हवाई अड्डों के विस्तार की बात की गई है। आपको पता होगा कि कई सारे हवाई अड्डे हाल फिलहाल में बन रहे हैं, तो इस ढंग से बहुत सारी बातें की गई है। जल मेट्रो का विस्तार करने की भी बात की गई है। 6G, आपको पता होगा कि भारत में अभी 4G नेटवर्क सही से चल रहा है और 5G कहीं कहीं चल रहा है, लेकिन सरकार बीजेपी ने कहा है कि हम 5 सालों में 6G क्रांति ला देंगे, ऐसी बात उन्होंने कही है, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात। 2047 तक कहा गया है कि ऊर्जा में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, ऐसा कुछ कहा गया है। पीएम सूर्य घर बिजली मुक्ति योजना, इसमें मैंने कहा कि बिजली का बिल कम से कम गरीबों के लिए शून्य हो जाएगा, ऐसी बातें की गई है।
ग्रीन हाइड्रोजन की बात भी की गई है, उसको बढ़ावा देना है। रिन्यूएबल एनर्जी के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत को एस्टेब्लिश करना है, ये सब कुछ बातें कही गई है। आपको पता होगा कि बेंगलोर में पानी का संकट बहुत जबरदस्त तरीके से आ गया है, तो मैनिफेस्टो में बकायदा कहा गया कि शहर में पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात की गई है। पर्यावरण अनुकूल शहर, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा थ्रेट है तो इसकी बात की गई है। कचरों के पहाड़ से शहर को मुक्त, आए दिन आप सुनते होंगे दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच में नोकझोंक लगी रहती है, कचरे के पहाड़ है दिल्ली में, तो कहा तो गया है भाई कचरे के पहाड़ से मुक्त किया जाएगा। ये शहरी भूमि रिकॉर्ड प्रणाली स्टेब्लिश करने की बात की गई है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ और थोड़ी बहुत बातें जो इंपॉर्टेंट होंगी। आगे देखिए, एक बात ध्यान रखेंगे, हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का विकास करने की बात की गई। अयोध्या का सर्वांगीण विकास करना है यह भी कहा गया है। भारतीय पांडुलिपि का संरक्षण एवं अध्ययन की बात की गई है। भारतीय सांस्कृतिक कोष की स्थापना की बात की गई है, ठीक है, जो प्राचीन सभ्यता शास्त्रीय भाषाओं संस्कृति परंपराओं और संरक्षण के लिए फंड स्थापित करेगा, यह भी है। एक बात और भी है जो कभी एक जमानों में अंग्रेजों ने किया था, वह यह है कि उन्होंने हमारे जो लेक्चर्स थे, हमारे जो बुकें थी, उसको इंग्लिश में अनुवाद किया था। भारत सरकार ने कहा कि हम भारतीय साहित्य रचनाओं का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करेंगे, वाजिब है, हमारा कल्चर दूर देश के में भी पहुंचेगा और उसका विस्तार होगा, यह भी बहुत अच्छा बात है। तो ये आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें कही गई है इस बार के बीजेपी के मैनिफेस्टो में। बहुत सारी बातें और भी हैं जो बहुत ही बड़ी है, जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, जो आप तक पहुंचना चाहिए, वो मैंने पहुंचाया। नमस्कार।